वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, वेलकम टू श्री बिजनेस चालीसा क्लास 11। आज का टॉपिक हमारा है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन अपना आर्टिकल बेच रहे हैं, तो हमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज ऑनलाइन जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चलिए बात करते हैं किस टाइप की रिस्क होती है। तो ज़्यादातर वहाँ पर 3 टाइप की रिस्क होती है। तो पहली बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क। पहली रिस्क है ट्रांजेक्शन रिस्क। कौन सी लेन देन में किस टाइप्स की दिक्कतें आ सकती है, आइए चलते हैं। पहली बात तो आप जब भी ई बिजनेस करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी आप परचेस करें, तो आप ऑथराइज वेबसाइट से करें, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, ओके। अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन रिस्क में, पहला डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग। कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ से एज अ बिजनेसमैन अपना माल डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन कस्टमर जो क्या करता है, वो डिनाई कर देता है, मैं गोला लगा रहा हूँ, मना कर देता है, मुझे माल नहीं चाहिए। ये भी एक रिस्क है। आगे बात करते हैं डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। कभी कभी हम अपना माल तो देते हैं, कस्टमर हो सकता है रॉन्ग एड्रेस लिख दें, तो रॉन्ग एड्रेस भी एक दूसरी हमारी रिस्क है। आगे बात करते हैं डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तो क्या होता है, सेलर डज नॉट गेट, मतलब अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने माल बेचा, मुझे पैसा नहीं मिलता, लेकिन कस्टमर क्या करता है, क्लेम करता है कि मैंने पैसे दे दिए, ये भी एक रिस्क है। आगे बात करते हैं टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करेंगे, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। पहला, जब कोई भी बंदा क्रेडिट कार्ड से पे करता है, हमें ये चेक करना है जो भी क्रेडिट कार्ड उसने नंबर दिए हैं, क्या वो नंबर वैलिड है या फिर नहीं है। क्रेडिट कार्ड नंबर को आपको चेक करना है, वो वैलिड है या फिर नहीं है। फिर हम बात करते हैं आगे क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ क्रेडिट कार्ड नंबर चेक करना, ऑथराइजेशन का मतलब होता है क्या उस क्रेडिट कार्ड में पैसा है या फिर नहीं है। आगे हम चेक करेंगे सेटलमेंट, प्रोडक्ट डिस्पैच, फंड रिलीज। अगर हम यहाँ से, जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर आपने एक मोबाइल मेरे यहाँ से ऑर्डर किया है ऑनलाइन मेरी कंपनी से, मान लो मेरी कंपनी है स्टार मोबाइल्स, आपने अगर जैसे ही मोबाइल ऑर्डर कर दिया, तुरंत आपके अकाउंट से फंड पैसा कट के मेरे यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, मतलब डिस्पैच यहाँ से जैसे ही माल करूँगा तो उसी टाइम फंड वहाँ से आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो ये थी जो आज की हमारी रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, और इसका हम लोग ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट और रिस्क में पढ़ा रहा हूँ, ओके। सो आई एम बैक हियर विद द टॉपिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट, क्लास 11th, चैप्टर 5th, वी आर कंटिन्यूइंग। द टॉपिक इज डेटा स्टोरेज रिस्क। होता क्या है, हमारे पास जो डेटा होता है उसके स्टोर करने का भी रिस्क होता है। जो भी फॉर्म्स है आपकी बड़ी बड़ी, मैं अगेन बात कर रहा हूँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती कहाँ पे? अपन लोग जो भी माल ऑर्डर करते हैं, इनके पास लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में डेटा होता है, ओके। प्रॉब्लम वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। इसका मतलब होता है क्या है, वायरस आ जाता है डेटा में और डेडली पूरा क्लीन करता है डेटा। अगर डेटा क्लीन हो जाएगा तो जो भी अमेजोन में प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कि अमेजोन जो भी स्कीम निकालता है, आपको एक मेल आती है कि दिवाली पे ये आ रहा है, बम्पर सेल आ रही है, पेपर्स में आता है, वेबसाइट्स में आता है, गूगल पे भी आएगा, बट इफ़ यू हैव परचेज एनीथिंग फ्रॉम द अमेजोन, देन देर इज अ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, अ ईमेल इज बीइंग स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड योर मोबाइल इज देयर। दिस डेटाबेस इज रियली हेल्पफुल टू द कंपनीज फॉर सेंडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट डिस्काउंट, व्हाटएवर द कंपनी डज।
सो दैट समटाइम इफ वायरस कम इट्स क्लीन अप द डेटा, और डेटा अगर क्लीन हो जाएगा तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। चलते आगे, हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू वेबसाइट डिस्ट्रॉय डेटा। कभी कभी आपने सुना होगा ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया, या अक्सर आपने टीवी में सुना होगा राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया या उसके अकाउंट को हैक कर लिया। हैकिंग मीन्स अनऑथराइज्ड पर्सन कंट्रोल द कंप्लीट वेबसाइट। उससे क्या होता, कुछ भी आप वेबसाइट में लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर आपके पास पावर नहीं रहती, एक हैकर के पास रहती है। सो हैकर एक बड़े डेंजरस क्राइम वो है, तो ये भी एक बड़ा हमारे लिए बड़ी डर की सिचुएशन है जब हम बिजनेस करते हैं ई बिजनेस में। इन प्रॉब्लम से हम ओवरकम कैसे होंगे? सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल। अगर वैसे आपको पता होगा क्राइम सेल हमारे इंडिया में है, क्राइम सेल फॉर हैकर्स। अगर कोई वेबसाइट को हैक करता है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको भारी भरकम जुर्माना और सजा भी होती है। दूसरी बात, क्राइम सेल हम स्टेबलाइज करेंगे तो हैकर्स को पकड़ लेंगे। इनक्रिप्शन क्या है? कोड मैसेज। आप जब फेसबुक में एंट्री करते हैं तो लिखा होता है एफ कैपिटल लिखो, ई छोटा लिखो, कैपिटल टी लिखो, जीरो लिखो, टू लिखो, फिर एंट्री करो। आपने देखा होगा अधिकतर वेबसाइट्स में हम जब एंट्री करते हैं तो आपको कोड मिलता है। तो कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोड से करते हैं तो उसमें हमारे वेबसाइट पे एंट्री करते समय हमें दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आजकल एक कोड का मैसेज एक आपका मोबाइल में भी आता है। जब हम अमेजोन में एंट्री करते हैं तो आपको OTP मिलता है, राइट, वन टाइम पासवर्ड, दैट इज ऑल्सो अ कोड। उसमें नंबर दिया होता है 2 2 3 3 4 4 वट एवर सो ऑन। आगे बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। एक बहुत अहम हमारा इसमें मदद करेगा। जब आपके पास सामान आता है अमेजोन में, आपने देखा होगा वो मोबाइल लेके खड़े रहते हैं, भैया आप सिग्नेचर करते हो हाथ से टच करके यूँ ऐसे ऐसे, मतलब वो सिग्नेचर आपका ऑथेंटिकेशन है, जो आपने हाथ से किया है वो मैच नहीं करेगा किसी और से। वैसा सिग्नेचर आपने कॉपी करके पहले भेजा होगा। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिग्नेचर। ओके, बात करते हैं अगला, थर्ड रिस्क, सेकंड रिस्क। पिछला रिस्क हमने पढ़ा फर्स्ट, अब सेकंड ही थर्ड रिस्क, रिस्क ऑफ द थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। ये क्या है? रिस्क होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइवेसी, आपके डेटाबेस की रिस्क होती है, आपका डेटाबेस चोरी हो सकता है, तो इसलिए आप उसको बड़े ध्यान से रखिए। इट कैन बी कोई इसको चुरा सकता है डेटाबेस को, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो आज आपने इस पर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मोटे मोटे तौर पे दो रिस्क कवर करी और इसको कैसे हम ओवरकम करते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क इन 4 marks, व्हाट आर द 2 types ऑफ रिस्क एंड हाउ कैन बी दे ओवरकम। सो 4 marks में आ सकता है। ओके बच्चों, आगे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।